एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से। इस वक्त की सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक आधार पर नंबर देने का यह पूरा मामला है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। तो सामाजिक आर्थिक आधार पर नंबर देने का मामला, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अंक असंवैधानिक है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। हरियाणा में भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक दिए जाते थे, जिस पर ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस खबर को लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल राज, देखिए हरियाणा में सरकारी नौकरी में आर्थिक और सामाजिक आधार पर नंबर देने का ये पूरा मामला था। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को के सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक जो है वो बताया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अंक असंवैधानिक हैं, ये कहते हुए कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया है। हरियाणा में भर्तियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 नंबर जो है वो दिए जाते रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको लेकर चैलेंज जो है वो कोर्ट में किया गया था। अब कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। इस फैसले से सीईटी अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो 3.5 लाख के आसपास, 3 से 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित होने वाले हैं। यानी कि यूं कह लीजिए आगे जो भर्तियां होंगी तो उसमें ये 5 नंबर जो है वो किसी को नहीं मिलने वाले, क्योंकि असंवैधानिक जो है वो कोर्ट ने इसको करार किया है और कहीं ना कहीं इस पर जो है अपनी टिप्पणी की है। अभी फैसला आया है ताकि अब जो भी हरियाणा में अभ्यर्थी होंगे वो जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता था उससे उसमें अब उनको कोई लाभ जो है वो नहीं मिलने वाला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।